आज का दिवस सच में भाग्यशाली। कुछ साल पहले मैं एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गया था। मित्र के रिश्तेदारों ने मुझे वहां देखा और मुझे वहां से भगाकर मेरा अपमान किया। उनके कहने के अनुसार मेरे क्षुद्र होने के कारण मैं ब्राह्मणों के बराबर चलने योग्य नहीं। वो अधिकार मुझे नहीं, मेरे कारण उनकी बारात भ्रष्ट होती है। वो और भी बहुत कुछ बोले पर वो सब यहां बोलना मुझे योग्य नहीं लगता। परंतु उस रात मेरी आंख नहीं लगी। रात भर मन में प्रश्नों का गुबार उठता रहा जिनके उत्तर मेरे पास नहीं थे। धीरे धीरे मन में एक बात सताने लगी कि आत्मसम्मान के लिए अपने को संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के लिए अपने को खुद के पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा, अपने को शस्त्र उठाने चाहिए। पर शस्त्र मतलब लाठी काठी तलवार छुरे या पिस्तौल नहीं, बल्कि ज्ञान विचार और योग के शब्द, जिसके लिए शिक्षा ही एक मार्ग है। क्या भट्ट ब्राह्मण अपने को शिक्षा देंगे? वो खुद ये हथियार हमारे हाथों में कभी नहीं सौंपेंगे। अपने को ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। ये मेरी पत्नी सावित्री मेरी पहली विद्यार्थी है। अब आप सबको सिखाने में ये मेरी सहायता करेगी। इसी प्रकार ज्ञान का प्रसार होगा, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो आपस में बांटनी अवश्य है। ये अपनी पहली पाठशाला है जो नीची जाति की लड़कियों के लिए, और मुझे विश्वास है कि लड़कियां पढ़ लिख कर एक नई पीढ़ी बनेंगी। इस कार्य का विरोध होगा पर फिर भी ये साहस करना ही चाहिए, हमें आगे जाना ही चाहिए, क्योंकि हम योग के पथ पर हैं। आप सबके शैक्षणिक यश के लिए शुभेच्छा।